अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं अपने व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम है, और मेरे ख्याल से काफ़ी व्यूवर्स इस चीज़ के इंतज़ार में थे सब लोग कि ये सब लोग वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे थे क्योंकि हम इनके साथ एक सेल फोन कॉल के रबते में थे, जैसा कि मैं कल भी गया हूँ आसम की तरफ बात करने के लिए कि इस बात को क्या करना है। और अतवार वाले दिन जिस दिन कबूतर का हमारा थोड़ा सा मसला हुआ है इनके कबूतर का, उस दिन भी मैंने आसम को कॉल की थी कि जी आसम भाई ये क्या करना है, इस कबूतर का जो मसला चला हुआ है इसको क्लियर करें आज के दिन ही। तो वो उन्होंने कहा जी नहीं, आज के दिन रहने दें, अभी करते हैं आपसे मसला सॉल्व। और मैं फिर कल गया इनके तरफ और मैंने कहा जी कि इसको मसले को सॉल्व करें, जो भी करना कराना है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कबूतर का मसला क्या है क्या नहीं है, और हम खुद भी चाहते हैं यही कि ये जितनी जल्दी मसला सॉल्व हो जाए वो उतनी जल्दी बेहतर है, और ये शौक जो है शौक की हद तक ही रहना चाहिए, और हम चाहते हैं कि इनके साथ जो शौक है वो मज़ीद बढ़े आगे। हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, तो इस वजह से कि हमारा मियां मीर पिंड कभी बेईमानी नहीं करता और ना कभी उन्होंने बेईमानी की है, किसी कबूतरबाज ने नहीं की बेईमानी, क्योंकि हमें हमारे उस्तादों ने कभी भी ये चीज़ नहीं समझाई कि हम बेईमानी करें किसी के साथ। और इंशाल्लाह हमारा जो अब टाइम इनके साथ डिसाइड हो गया है, आज मेरी अभी आसम से बात हुई थी, मंडे को जुमेरात वाले दिन उन्होंने कहा जी आपके साथ थर्सडे को हमारा आपके साथ टाइम होगा, इंशाल्लाह बैठेंगे बात करेंगे इस सारी चीज़ों में कि जी इसको इस मसले को क्लोज़ करें, ताकि हमारे जो नेक्स्ट दो अतवार हैं वो अच्छी तरह उड़ने चाहिए, ताकि हमारे व्यूवर्स को मज़ा आना चाहिए कबूतरबाजी का। और मेरी तरफ़ से हमारे पूरे मियां मीर पिंड की तरफ से जितने व्यूवर्स कबूतरबाज भाई हैं उन सबको एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि जी ये शौकीन बंदे हैं और ये शौक करने वाले हैं, हमने ना भागना है ना हमने किसी को भागने देना है, शौक करें हमारे साथ और बैठ के बात करें, ना कि ये वीडियो पे अपलोड करके करें। ये वीडियो बार बार अपलोड कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, एक चीज़ ना करें। हम तो ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, हरीफ है हमारा, उसको वेल्डन कहें, जीत है उसको, उसकी खुशी के साथ खुशी मिलाएं, अच्छा मैसेज कन्वे करें। अच्छे उस्ताद हमेशा ऐसा मैसेज देते हैं, ये नहीं कि बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इनके उस्ताद ने भी, उस्ताद चौधरी कामरान ने भी यही बात की थी कि कोई बात नहीं, उनको बुलाओ, बैठो, बात को ख़त्म करो, प्यार से जो बात ख़त्म होती है उससे अच्छा क्या है। पर ये लोग आ नहीं रहे थे, आज इन्होंने टाइम दिया है हमें कि जी ठीक है जी हम आ जाते हैं, हमारे उस्ताद अभी इधर नहीं है और वो कहीं बाहर गए हुए हैं, हमने कहा जी कोई बात नहीं, जैसे जब भी वो आए हमसे मिले, उस्ताद जेदी मिले, इनके बड़े माशाल्लाह उस्ताद हैं वो मिले हमसे, आके बैठे हैं और जो भी बात डिस्कस करनी है हमसे करें, हम खड़े हुए हैं। और हम ही इनको बार बार कॉल करते हैं कि जी हमें टाइम दें, हमें टाइम दें, बैठे हमारे साथ इस कबूतर का मसला सॉल्व करें, ताकि हमारा नेक्स्ट भी शौक हो सके इनसे। बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी हम आप सबको बताएंगे, जुमेरात वाले दिन है फाइनल बात जो भी होगी, और इंशाल्लाह फिर सबको पता चल जाएगा जो भी बात की है बड़े उस्तादों ने, उसमें बैठेंगे हम लोग, जो फैसला आएगा इंशाल्लाह सबके साथ शेयर भी करेंगे। और ऐसे कभी भी गलत वीडियो ना अपलोड करें कि किसी की दिल आज़ारी करें, अच्छा मैसेज देना चाहिए, चाहे वो आपका हरीफ है चाहे कोई भी है, हरीफ के साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि उसके मुनसफों को आप धक्का दें, उसको कोई चल 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 चल, और एक पर्चे के बगैर ही आपने जीत बना ली है, जिस पर्चे पे मुनसफ के साइन नहीं है छत मालक वो बाजी कैसे जीत सकता है, वो कैसे अपने व्यूवर्स को बता सकता है कि मैं जीत गया हूँ, उसको ये कभी भी अपलोड नहीं करनी चाहिए थी वीडियो, हमने तो नहीं की, हम भी कर सकते थे कि हम जीते हैं हम जीते हैं, हमारी किसी की वीडियो नहीं आई जीतने की, हमने कभी भी नहीं ऐसा, क्यों कि हमें पता है जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है और गलत हो रहा है, इसको सही भी करना है, बड़े उस्तादों ने सही भी करना है, और हम इंशाल्लाह मिलजुल कर बैठेंगे कि जी मिलजुल कर बैठें, इसका मसला जो भी है उसको ख़त्म करें, ना कि एक दूसरे पे तनकीद करें। और मेरा मैसेज यही है इनके उस्तादों को भी,
कि वो जैसे अब टाइम दिया है इन्होंने जुमे रात का, और बस पहुंच जाएं, आकर हमसे मिलें, जब जैसे जिधर भी कहेंगे हम इनके पास जाएंगे, जहां भी ये कहेंगे हम लोग ज़रूर बैठेंगे इनके साथ, ताकि ये मसला जितनी जल्दी हो सके वो सॉल्व हो जाए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।